हाय, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस के लिए क्या क्या मेडिसन्स और क्या क्या सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। और ये हमेशा अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपने कंसर्न्स डिस्कस करें और आपके लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं आप वो लें। तो डिस्कस करते हैं जो कॉमन मेडिसन्स हैं। सबसे कॉमन जो प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड मेडिसन्स हैं वो हैं मिनोक्सिडिल और फिनेस्टेराइड। जो फिनेस्टेराइड दवा है वो हमारी बॉडी के DHT लेवल्स को कंट्रोल करती है और DHT लेवल्स ही होते हैं जो हमारे बालों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फिनेस्टेराइड एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। एक छोटी सी गोली आती है जो आप खा सकते हैं। फिनेस्टेराइड एक टॉपिकल सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है जिसको हम लगा सकते हैं, लेकिन जो ओरल टैबलेट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जो फिनेस्टेराइड है वैसे तो बहुत सेफ दवा है, लेकिन उसको एक साइड इफेक्ट होता है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं और वो होता है लॉस ऑफ सेक्स डिज़ायर। तो सेक्स करने की जो इच्छा है वो कहीं कहीं लोगों की कम हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि ये 3% इंडिविजुअल्स में होता है और जिन इंडिविजुअल्स में ये होता है वो विद इन फर्स्ट 7 to 10 days ये आना शुरू हो जाता है एंड इट इज़ रिवर्सिबल ऑन स्टॉपेज। जो सेकेंड अच्छी दवा है वो है मिनोक्सिडिल। जो मिनोक्सिडिल दवा है वो टॉपिकल सॉल्यूशन में और खाने की गोली में भी अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, इससे बालों को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है और वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव दवा है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हाइपरट्राइकोसिस। तो जहाँ पर हम ये नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ सकती है, जैसे कई लोगों को फेशियल हेयर ग्रोथ या बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। सेकेंडली, जो मिनोक्सिडिल है वो इरिटेंट होता है, किसी किसी को इसे इरिटेशन हो जाती है, डैंड्रफ बढ़ जाता है या खुजली होनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को आईज में सूजन आनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को आईज में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये थे दो मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर कुछ सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। तो इतने सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और उससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट जो है वो है कोएंजाइम Q10। जो कोएंजाइम Q10 होता है वो हमारे बालों के जो सेल्स हैं उनकी एनर्जी को और एनर्जाइज कर देता है, उनको और एनर्जी देता है जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। सेकेंड सप्लीमेंट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड इज़ अ वेरी नेचुरल एंड अ रिलायबल सोर्स ऑफ vitamin B, और इन vitamin B जब हमारे बालों को मिलता है तो बाल अच्छे ग्रो करते हैं। द नेक्स्ट इज जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा इज अ हर्ब, एक जड़ी बूटी होती है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं। तो बहुत बार हमारे बालों के अराउंड इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जिसकी वजह से वो बाल ग्रो नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जिंको बायलोबा में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। जिन लोगों को हेयर लॉस के साथ डैंड्रफ भी हो रहा होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो हमारी स्लीप को अच्छे से इंड्यूस करता है, और ये स्टडीज़ में पाया गया है जो लोग अच्छे से सो पाते हैं उस टाइम हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, उस टाइम हमारे बालों की ग्रोथ फैक्टर अच्छा हो पाता है। तो जो मेलेटोनिन है वो गोली के फॉर्म में अवेलेबल है और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़िश होता है, फ़िश ऑयल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों के अराउंड जो भी स्ट्रेस रेडिकल्स होते हैं उनको कंज्यूम करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो या तो आप फ़िश ऑयल की टैबलेट ले सकते हैं या फिर अपनी डाइट में आप फ़िश को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ भी हैं जो आप कर सकते हैं अपने बालों के लिए। फर्स्ट इज़ इंक्लूडिंग फूड रिच इन सोए। सोए प्रोडक्ट्स लाइक सोए मिल्क और सोए नगेट्स, इनमें DHT ब्लॉकर्स होते हैं जो कि फाइटोएस्ट्रोजन्स होते हैं, और ये हमारे बालों की ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो यू कैन इंक्लूड देम मोर इन योर डाइट। नेक्स्ट इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से अगर आप रेगुलर अपने बालों को मसाज करेंगे तो जो हमारे बालों का जो प्रोटीन कंटेंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बालों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आप फिश खा सकते हैं। फिश में बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो जिनका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है और वो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट अनियन ऑयल। अनियन का जो जूस है वो भी काफ़ी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये एक इरिटेंट होता है जो थोड़ा सा एरिया को इरिटेट करता है और उसकी वजह से थोड़े से बालों में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। इसका स्पेसिफिक यूज़ है एलोपीशिया एरिएटा कंडीशन में जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा आ सकती है, लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि इससे स्कैल्प में इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।